दिसंबर 2023 ये वो डेट है जिसको फाइनल किया है कि पूरी दुनिया से भक्त लोग अयोध्या के राम मंदिर जा पाएंगे और भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। पर आपको पता है 1980 में ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ चुका होता, वो भी सभी कम्युनिटी की रजामंदी से। बट थे कुछ ऐसे लोग जिनको भगवान राम से न जाने क्या चिढ़ थी, क्या नफरत थी, कि वो कभी चाहते नहीं थे कि मंदिर बने या भगवान राम का अस्तित्व दुनिया के सामने आए। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि क्या क्या सबूत मिले थे राम मंदिर से रिलेटेड और कौन थे वो लोग जिन्होंने सच को कभी सामने आने नहीं दिया। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सकवेशन की, जो कि 1976 में बीबी लाल जी द्वारा हुआ। बीबी लाल जी एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे अपने जमाने के, और उन्होंने महाभारत से रिलेटेड भी काफी सारी रिसर्च की थी, जैसे हस्तिनापुर का एक्सकवेशन इन्होंने ही किया था। तो जब अयोध्या के सर्वे करने निकले तो 1976 में मस्जिद टूटा नहीं था, मस्जिद एग्जिस्ट करता था। और जब ये मस्जिद के अंदर सर्वे करने गए तो इनको काफी हैरान करने वाली चीजें मिली। 1990 में अपनी पिलर बेस्ड थ्योरी में बताते हैं इनको 12 पिलर्स मस्जिद के अंदर मिले थे जिसके ऊपर मस्जिद खड़ा था। उन पिलर्स के ऊपर काफी सारे हिंदू चिन्ह बने थे और साथ ही साथ कई देवी देवताओं की और दूसरे चिन्ह भी इन पिलर्स के ऊपर मिले, जो कि इशारा कर रहे थे कि मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की फोटो क्यों है या हिंदू चिन्ह क्या कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक कलर का पिलर था ना, ये कसौटी स्टोन का बना था जो हिंदू लोग सदियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे या मंदिर में इस तरीके के पिलर्स। द स्टोन पॉपुलरली नोन एज कसौटी, इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट दिस स्टोन वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर मेकिंग ओनली इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। इस पिलर का जो बेस था ना, वो एक कलश के तरीके से था। आपने इस तरीके के घड़े अक्सर देखे होंगे, ये ज्यादातर घर में या शुभ कार्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पिलर का जो बेस था वो इस तरीके के घड़े के डिजाइन में था जिससे पत्ते निकल रहे हैं। और साथ ही साथ काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिली, जैसे टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले व काफी सारी छोटी छोटी मूर्तियां मिली इंसानों की, जानवरों की। तो के मोहम्मद जी, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और बीबी लाल जी के अंदर उस समय सर्वे कर रहे थे, वो खुद बताते हैं कि इस तरीके की मूर्तियां मिलना, पिलर्स मिलना, ये बताते हैं कि जरूर यहाँ पे कभी ना कभी हिंदू स्ट्रक्चर था। Now please tell me, if it is a mosque, can you ever think of having or getting the terracotta idols of various gods and goddesses? You can never. So it was on that basis we came to that, Professor B.B. Lal came to the conclusion that this was the destroyed part of the temple and that has been reused for the mosque. तो काफी लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है ये जो structure हो, ये जो pillars हो, ये मुसलमानों ने, मुस्लिम राजाओं ने हिंदू लोगों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए बनाया हो। जरूरी थोड़ी है कि मंदिर को तोड़ के ही बनाया हो। तो के मोहम्मद जी अपने एक इंटरव्यू में इसका बहुत अच्छा आंसर देते हैं, आप सुन सकते हैं इनके एक इंटरव्यूज में। अच्छा, अगर कोई डाउट इसके बारे में है तो आज भी कुबतुल इस्लाम मस्जिद है जो बिल्कुल इसके कुतुब मीनार के बगल में है, उसमें इसी तरीके का पिलर यूज किया है, मंदिर का पिलर यूज किया है। एंड देर इज एन अरबिक इंस्क्रिप्शन ऑल्सो, 27 टेम्पल्स हैव बीन डिमोलिश्ड एंड देन दैट वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुबतुल इस्लाम मस्जिद। खैर, के मोहम्मद जी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और बताते हैं कि काफी उस जमाने के जो एजुकेटेड मुस्लिम थे, जब उन्हें पता चला कि इस तरीके के सबूत मस्जिद के अंदर से आ रहे हैं, तो वो खुद एग्री हुए और उनको लगा कि ये जमीन हिंदूज को हैंड ओवर कर देना चाहिए। मतलब सब कुछ ईजिली हो रहा था, बट कुछ ऐसे लोग थे जिनको न जाने क्या नफरत थी भगवान राम से। वो आए, उन्होंने अनएजुकेटेड मुस्लिम्स को भड़काना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारे खिलाफ साजिश है। कोई सबूत नहीं मिला बीबी लाल जी को, सब बहका रहे हैं, जमीन हड़पने की साजिश है। और ये खुद के मोहम्मद जी अपने एक टॉक में बोल रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज आई वॉज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्लियर एंड आई न्यू द टेम्परामेंट ऑफ मुस्लिम बिकॉज इट बिकेम अ प्रॉब्लम फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स। And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that, you know, a problem could be solved. There, this historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar, and other Marxist historian, R.S. Sharma, and Dr. Cha, they came forward. They were all historians, they were not archaeologists. They came and they said, no, it has been, I mean, the place has been excavated by Professor B.B. Lal. And he did not find any material from there. And so, Muslims, you should not hand it over the place to
हिंदू कम्युनिटी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल। ये जो हिस्टोरियंस थे ये इतने पावरफुल लोग थे कि पूरी इंडियन हिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने लिखी थी। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज पेपर उस जमाने में इन्हीं के आर्टिकल्स को पब्लिश करते थे। बीबी लाल जी की जो रिसर्च थी वो कभी जनता के सामने इन लोगों ने आने नहीं दी। सारे न्यूज़पेपर सिर्फ इन्हीं सो कॉल्ड हिस्टोरियंस की बातों को ही, आर्टिकल्स को ही पब्लिक कर रहे थे और इन्होंने मैनिपुलेटेड वे में सच को दुनिया के सामने रखा। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो जब विवाद बढ़ा तो 2003 में हाई कोर्ट ने फिर से एक्सकवेशन करने का, सर्वे करने का निर्णय लिया और इस बार आर्कियोलॉजिस्ट PR मणि जी को बुलाया गया और बोला गया कि आप अपनी टीम के साथ सर्वे करिए। 2003 में हाई कोर्ट के आदेश से खुदाई हो रही थी। खुदाई करने वाले ASI के अफसरों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। दो मैजिस्ट्रेट हर वक्त मौजूद रहते थे। खुदाई करने वाले मजदूरों में भी 40% मुसलमान थे। खुदाई के दौरान हर वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते थे। ये सब कुछ इसीलिए किया गया ताकि किसी तरह के विवाद या शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। मतलब देखा जाए तो बहुत ही आइडल जेन्युइन तरीके से काम किया गया, सच को सबके सामने रखा गया। और जब खुदाई करना शुरू हुआ तो मानो भगवान राम खुद अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने रख रहे थे। जहां बीबी लाल जी को सिर्फ 12 पिलर्स मिले थे, वहीं PR मणि जी को 50 से ज्यादा पिलर बेस मिले और वो बेस 17 रॉज में थे, जिसे क्लियर आइडिया लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कभी था। यानी मस्जिद की अपनी कोई फाउंडेशन नहीं थी, वो खुद किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ था, ये साबित हो गया। फिर और जब काम चला तो फिर एक बहुत प्राचीन प्रणाली सिस्टम मिला। प्रणाली सिस्टम वो चीज़ होती है जब भगवान को अभिषेक किया जाता है तो जिस रास्ते से जल जाता है, अभिषेक का जल जाता है, उसको प्रणाली बोला जाता है। तो वो पूरा एग्जैक्ट प्रणाली मिल गई, जिससे ये आइडिया लग गया तो यहाँ पे भाई भगवान का अभिषेक होता था। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला, उस स्ट्रक्चर के अंदर अभिषेक होता था, ये भी कन्फर्म हो गया। और फिर बाद में कुछ ऐसे पत्थर मिले जो कि मंदिरों के शिखर पे लगाए जाते हैं। जब भी मंदिर होगा उसको हम लोग नागर शैली कहते हैं। उसमें एकदम टॉप में कलश के नीचे मिलेंगे अमल का, ये मकान में नहीं मिलेंगे, दुकान में नहीं मिलेंगे, वो भी वहीं से मिल गया। मतलब मंदिर था और उसका शिखर था और उसके मल, जब मंदिर टूटा तो उसके मलये को वहीं दफनाया गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया, ये भी क्लियर हुआ। फिर बाद में कुछ ऐसे चिन्ह मिले जो कि गंगा मैया और नदियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर कुछ समय बाद एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया, वो था विष्णु हरि शिला पलक। ये शिला डायरेक्ट बता रही थी कि यहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना होती थी, भगवान विष्णु के से रिलेटेड मंदिर था इस जगह पर। ये जो शिला पलक वहां से मिला है, उस शिला फलक में वो एक टुंडी लाइन वाला है, उसमें तो बहुत ही क्लियरली ये कहा है ये उस विष्णु का मंदिर है जिन्होंने बाली को मारा था। तो बाली को किसने मारा था? भगवान राम ने पढ़ा है हमने। और उनको जो 10 सिर वालों को मारा था ये उन्हीं का मंदिर है, रावण को मारा था। तो इट इज ऑब्वियस। इवन टाइम्स नाउ ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जो जो चीज उनके सामने उनको मिली उन्होंने उस आर्टिकल में पब्लिक किया हुआ है, मैं तो कुछ ही बता रहा हूँ आपको। तो ये क्लियर हो गया कि 2003 की रिसर्च में भी देखा गया कि एक मंदिर धरती के अंदर दफन किया गया था। इवन इंडिया TV ने भी अपने सर्वे में बताया कि जब ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे कर रहे थे तो कार्बन डेटिंग से जब दीवालों की एज निकाली गई तो पाया गया कि धरती के अंदर 3000 साल से पुरानी वॉल्स थी। असल में 1990 के दशक में बाबरी ढांचे और आसपास की जमीन का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में जमीन के नीचे 3 फ्लोर दिखाई दिए। ये स्टडी इंडो कैनेडियन फर्म ने की और इसी के नतीजों के आधार पे हाई कोर्ट ने यहाँ खुदाई के आदेश दिए। खुदाई में जमीन के सबसे नीचे जो सबूत मिले उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये ईसा से 1500 साल पुराने हैं। यानी अयोध्या बाबर के 3000 साल पहले पूरा आबाद शहर था। इतने सारे एविडेंसेस मिले बट इन्होंने सारे एविडेंसेस को रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट को भी घुमाते रहे। ये खुद को हिस्टोरियंस बोलते हैं बट सही मायने में देश के सबसे बड़े डिस्टोरियंस यही लोग हैं। इनका दोगलापन आपको दिखाते हैं, खुद को हिस्टोरियन बताते हैं कि इन्हें सब पता है, पर आपको वही हिस्ट्री बताएंगे जिससे ये साबित हो कि मुगल्स अच्छे थे और राम मंदिर कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल इनके माए बाप अकबर ने अपनी जमाने में किताब लिखवाई थी NI अकबरी करके। इस किताब में
अकबर ने जहां जहां राज्य किया है उसके वर्णन है। तो एक चैप्टर आता है द सुबह अवध, जिसमें अकबर लिखवाता है कि अयोध्या वो जगह है जहां पे भगवान विष्णु के सातवें अवतार राम जी का जन्म हुआ था, जो कि कन्नौज बिहार प्रयाग के मध्य में स्थित है। मतलब वो भगवान राम के एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, मंदिर को भी एक्सेप्ट कर रहा है और लोकेशन भी बता रहा है कि ये कहां पर है। पर ये वाले चैप्टर आपको कभी भी मेनस्ट्रीम मीडिया में या हमारे एनसीईआरटी किताबों में नहीं बताया जाएगा। तुलसीदास जी की भी एक किताब थी जो उन्होंने अपने समय में लिखी थी, तुलसी दोहा शतक, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर तोड़ा गया और किसने तोड़ा। राम जन्म मंदिर मही तोरी मसीत बनाए, जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी की नहीं हाय। दलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति त्राही त्राही रघुराज। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में आकर राम मंदिर को तोड़ा और राम भक्तों की हत्या की। पर तुलसीदास की ये किताबें भी आपको कभी पता नहीं चलेंगी, बिकॉज कभी पढ़ाई नहीं जाएंगी। 11वीं सेंचुरी में कश्मीर के किंग थे अनंत देव, उन्होंने अपने कवि सोमादेव जी से बोल के किताब लिखवाई थी कथा अमृत सागर। तो इस कथा अमृत सागर की 12वीं किताब के 21वें चैप्टर के 3rd स्टोरी में राम जी और अयोध्या का जिक्र आता है। पर इस किताबों को भी ये क्या बोलते हैं, अरे ये तो बच्चों की फेरी टेल वाली स्टोरी है ना, इसको क्यों सीरियसली ले रहे हो, सब झूठ है, इसको भी हटाओ, उसको भी नहीं पढ़ाते। इवन इंडिया टीवी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताते हैं कि औरंगजेब की पोती औरंगजेब को लेटर लिख रही है और बता रही है अयोध्या मंदिर के बारे में कि कैसे तोड़ा गया। औरंगजेब की पोत्री ने यह साफ साफ लिखा कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। औरंगजेब की पोत्री ने 1707 में लिखा, इस्लाम की फतह को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बादशाहों को मूर्ति पूजक हिंदुओं के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, उन्हें गुलामी में रखना चाहिए और जजिया वसूल करना चाहिए। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, अयोध्या में सीता रसोई और हनुमानगढ़ी को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको लगातार नमाज और खास तौर पर जुमे की नमाज के लिए उपयोग करना चाहिए। इस पर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए कि हिंदू सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ न कर पाए और मुसलमानों के कानों में मंदिरों की घंटियों की आवाज न पहुंचे। तो मतलब इतनी सारी किताबें, इतने सारे रिसर्च हो रखे हैं ऑलरेडी, पर उन सबको ये रिजेक्ट करते हैं, ये तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इवन मुगलों के काल में भी काफी सारे एशिया और यूरोप से लोग इंडिया आते थे भ्रमण करने, और वो लोग भी अयोध्या राम जी का जिक्र करते हैं। जैसे कि एक इंग्लिश मर्चेंट थे विलियम फ्रेंच करके, जो कि 1608 में इंडिया आए थे और अपने ट्रैवल अकाउंट में अयोध्या और राम जी के बारे में जिक्र करते हैं। अयोध्या को उस टाइम भी राम की नगरी ही माना जाता था। और साथ साथ फ्रेंच के भी एक स्कॉलर आए थे सी मेंटले, वो भी इंडिया आते हैं और वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडिया जब वो आए तो उन्होंने राम जी के बारे में सुना जहाँ, और उनके पिता अयोध्या के किंग थे, ऐसे ऐसे वो अपने किताब में लिखते हैं। मतलब विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी अयोध्या घूम रहे हैं और राम जी के बारे में ही हर जगह सुन रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन बहुत सारे लोग एशिया और यूरोप से आते हैं, मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ सकते हैं कि और कितने लोगों ने अयोध्या के बारे में लिखा है। और दोस्तों श्री राम और अयोध्या के बारे में सिर्फ रामायण में ही जिक्र नहीं है, इवन कई दूसरे पुराणों में भी है, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण। पर ये हिस्टोरियन इन वैदिक शास्त्रों को माइथोलॉजी बोल देते हैं, इन हिस्ट्री में, इन रीसेंट हिस्ट्री की किताबों को ये पढ़ाते नहीं है। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में जो सबूत मिले उसको प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, वही पढ़ाएंगे जो हमारे एजेंडा के अंदर आता है। सोचो जिन लोगों के हृदय में भगवान राम, हमारे धर्म के प्रति इतनी नफरत है, अगर वो व्यक्ति हमारे इतिहास के बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा, और जो लोग इनकी किताबें पढ़ेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, ज़ॉम्बी हो जाएंगे, भगवान का राम सुनते ही चिढ़ेंगे। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ JNU के कुछ स्टूडेंट्स का। रिसेंटली रामनवमी सेलिब्रेशन हो रहा था तो JNU में, तो ये स्टूडेंट राम का नाम सुनते भड़क गए और लड़कों पे, स्टूडेंट्स पे, गर्ल्स पे अटैक कर दिया जो रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे थे। सोचो इतनी नफरत है इनको भगवान से, हमारे सनातन धर्म से, और इनका यही प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी किताबें पढ़ें और अपने धर्म से हेट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अब खुद को, अपनी सोसाइटी को अवेयर करें। वैसे तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि ब्लाइंडली भगवान पे फेथ मत करो, सोच समझ के पढ़ो, रीजनेबल करो, पर इन किताबों का क्या, इतने सारे रिसर्च आपके सामने दबा दिए जाते हैं बट फिर भी हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, ब्लाइंडली इनकी किताबों को पढ़े जा रहे हैं। UPSC हो, NCERT हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह इन्हीं की किताब पढ़ाई जा रही है,
ब्लाइंडली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा होगा। अब समय आ गया है हम लोग अवेयर हों, क्रॉस चेक करें, ऐसे ही ब्लाइंडली इनकी बातों को एक्सेप्ट ना करें, क्रॉस चेक करना स्टार्ट करें। और यही शिक्षार्थकम का पर्पस है कि अपने लोगों को क्रॉस चेक करने में मदद करें, आपको वो साइड दिखाया जाए जो कभी नहीं दिखाया जाता। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको लगता है हम जो कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हमें बोल रहे थे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, कई लोग बता रहे थे कि अपने आप ही चैनल अनसब्सक्राइब हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सच को सामने रखने में हमारी मदद कीजिए। और आप चाहते हैं हम और अच्छे से काम करते रहें तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, बिकॉज फ्यूचर में हम और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वीडियोस बनाना चाहते हैं, म्यूजिकल वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स और कई तरीके से, उसके लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप लोग हमें ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से अपने मिशन को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की